हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल डिलीशियस और माउथ वाटरिंग गाजर का हलवा, वो भी बिल्कुल ही इजी और सिंपल वे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक पैन में 6 से 7 चम्मच घी ऐड करा है। घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने 6 चम्मच घी ऐड किया है क्योंकि मैंने अप्रॉक्स 1 किलो गाजर ली है। अब हम 3 से 4 इलायची के दानों को अच्छे से कूट के उसे घी में ऐड कर देंगे। अब हम धीरे धीरे करके सारी कद्दूकस की हुई गाजरों को गरम घी में डाल के खूब अच्छे से भूनेंगे। गाजर को खूब अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए घी में अच्छे से भून लेना है, जब तक कि वो सेमी कुक्ड ना हो जाए। जैसे ही गाजर का पानी हल्का सा सूख जाए, अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। अब गाजर और दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और कम से कम 20 से 25 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से पकाना है। जब गाजर दूध में अच्छी तरीके से पकने लगेगा तो वो कुछ इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट पे गाजर के हलवे में ऐड करेंगे चीनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने 1 किलो गाजर में 2 बड़े बाउल चीनी के ऐड करे हैं और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। एक बार चीनी ऐड करने के बाद हमें हलवे को लगातार चलाते रहना है। आप देख रहे हैं 20 मिनट बाद हमारा हलवा पूरी तरीके से पक के तैयार है। अब हम एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करके उसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने कुछ कटे हुए काजू और कुछ बादाम का इस्तेमाल किया है और इसे खूब अच्छा से सुनहरा रंग आने तक घी में भून लेंगे। बस एक बार ड्राई फ्रूट्स भून जाएं, बस उसे हलवे में ऐड कर दो और खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दो और आपका तैयार है गाजर का हलवा बहुत ही इजी वे में। अगर आप चाहें तो इसमें खोआ या मावा वो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि टोटली ऑप्शनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।